कहा जाता है कि नेत्रदान या नेत्र का काम कुछ भी करते हैं वो दुनिया का सबसे बड़ा काम और सबसे बड़ा दान होता है। तो इसी मुहिम में जुड़ने आए आप, हम, तेजस्वी जी, चाहे कोई भी काम बिहार के लिए किया गया वो बहुत बड़ा काम है, बहुत अच्छी बात है। काच ही बस के महंगिया, मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि वो इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और बिहार को प्रमोट करें। नमस्कार, देख रहे बिहार न्यूज़ सॉर्ट, मैं आपके साथ प्रेमराज। भोजपुरी में कमाल धमाल बवाल मचाने वाले हमारे साथ अक्षर सिंह है। अक्षर सिंह से जुड़ेंगे और जानेंगे कि किस मामला को लेकर। मैडम, आप पटना पहुँचे, क्या कुछ है? पटना आने का उद्देश्य आज बहुत ही बड़ा है और माननीय सर डॉक्टर सुनील सर की वजह से मुझे यहाँ आने का मौका मिला और बहुत ही कहा जाता है कि नेत्रदान या नेत्र का काम कुछ भी करते हैं वो दुनिया का सबसे बड़ा काम और सबसे बड़ा दान होता है। तो इसी मुहिम में जुड़ने आई हूँ और मैं इसकी छोटी सी हिस्सा बनने जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ जितने ग्रामीण क्षेत्र के लोग या जितने सक्षम व्यक्ति नहीं हैं, सर से मैंने वादा लिया है कि आप इस मुहिम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे, उसमें मैं खड़ी हूँ आपके साथ, जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं करूँगी। और सर, जितने भी लोग सक्षम व्यक्ति नहीं है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति होंगे उनका इलाज सर करेंगे। मैडम, वर्तमान में बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को किस हालात से देखते हैं? तेजस्वी यादव लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो बिहार के लिए जो भी व्यक्ति सोच रहा है ये तो बहुत अच्छी बात है ना। आप, हम, तेजस्वी जी, चाहे कोई भी काम बिहार के लिए किया गया वो बहुत बड़ा काम है, बहुत अच्छी बात है। एंड मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि वो इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और बिहार को प्रमोट करें। मैडम, एक सवाल और है कि आने वाला अगला गाना और अगला फिल्म कौन सा होगा? आगे आने वाले बहुत सारे गाने, छठ का गाना आ रहा है, प्लीज़ आप जितने दर्शकगण हैं आप लोग देखें और अपना प्यार सलाह अपना प्यार दें। हाँ, एक दो लाइन से आपको आता है छठ का गाना? साथ में गाएंगे? कोशिश कर सकते हैं, चलिए साथ में गाते हैं, आइए। काच ही बस के महंगिया, महंगी लचकत जाए। छठ पूजा की आप सभी लोगों को ढेरों शुभकामनाएं। बिल्कुल, तो ये भोजपुरी के एक्टर्स हमारे साथ अक्षर सिंह थे, जिन्होंने आने वाले छठ गाना को लेकर भी बताया। उनका कहना है कि जो छठ गाने हैं वो आने वाले हैं और उसी को लेकर जो यहाँ भी और कई जो आँख का काम है, बिहार के जो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव हैं जो स्वास्थ्य विभाग में कार्य कर रहे हैं, उसको लेकर भी उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा कर रहे हैं और हम लोग, हम और आप सब मिलकर अगर इस चीज़ों को देखते हैं, जानते हैं, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था बदलने वाला है, अच्छा होने वाला है। आपको बता दें कि अक्षर सिंह एक निजी कार्यक्रम के दौरान पटना पहुँचे थे, उसी को लेकर यहाँ पर हमसे बात की और उन्होंने जो आने वाली फिल्म के बारे में तो कुछ नहीं बोला, पर आपको बताते चले कि आने वाले जो गाना के बारे में पूछा उनसे, तो उसके बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं बोला, पर एक छठ का गीत गुनगुना दिया और हमसे भी कहा कि अगर आपको भी आती है तो आप भी हमारे साथ गाइए, और हमने भी उनके साथ इस गाने को गुनगुनाया। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार इन शॉर्ट के साथ, धन्यवाद।